हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्म ऊपर लगाओ एंड द अदर आर्म ऑन द लोअर साइड. सेम कंपास आपका खुला रहेगा. ए पॉइंट पे रखो, एक आर्म ऊपर लगाओ और दूसरी आर्म जो है वो पीछे की तरफ. अब इनको ज्वाइन कर दो जो आपकी आर्क्स कट कर रही हैं. एक चीज का बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ लाइन जरूर कट. ये नहीं करना कि ऊपर लाइन लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ फिर आप जो है गेस करके पॉइंट ले रहे हो. यहाँ पे ये चीज आपकी जरूर होनी चाहिए. सो लेट दिस पॉइंट बी एम. अब एम सेंटर लेंगे हम. ओ जितना कंपास खोल लो या ए जितना कंपास खोल लो और सर्कल ड्रॉ करो. कीप योर कंपास एट एम. ओ जितना आप अपने कंपास को खोलेंगे एम से प्लेस करो. And then draw this circle. तो यहाँ पे इसको two points पे cut करेगा. आप चाहो तो पूरा circle ले लो या आपकी मर्जी है आप half भी draw करो. मेरा कंपास जो है वो प्रॉपर सेट नहीं होता. सो ये टू आपका है फ्रॉम दिस वन एस. इसको मैंने ले लिया तीन. अब ज्वाइन ए टू एस एंड ए टू ई. ज्वाइन कर दो ए और एस को. So this AS and AB are the required tangents from the point to the right side of the circle. अब सेम वे में लेफ्ट साइड से भी हमने जो है सेम चीज लेनी है. OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. Up to this point, if you have done your thumbs so that I can proceed. So same way, OB ka hum perpendicular bisector jo hai wo draw karenge. This is your point B. Compass more than half open karo. ऊपर आर्क लगाओ, नीचे की तरफ आर्क लगाओ. सेम कंपास खुला रहेगा. टीचर कंपास एट ओ एंड ऊपर आर्क लगाओ और नीचे की तरफ आर्क लगाओ. अब अगेन इनको ज्वाइन करो. इसको मैंने नेम दे दिया एन. अब एन से बी एन बी या एन ओ तक रख के आपने सर्कल ड्रॉ करना है. अगेन तो कीप योर कंपास एट एन. ओपन इट अप टू दिस पॉइंट ओ एंड देन ड्रॉ. ये सर्कल्स दोनों टच करेंगे एक दूसरे को. ध्यान रखना सेम डिस्टेंस पे है तो सेम एरिया ही का बनेगा. सो वो पर भी सर्कल से टच. इसको मैंने नेम दे दिया यू. दिस पॉइंट आई हैव नेम्ड एज बी. यू और बी हो गया इसका नेम. अब इसको ज्वाइन करेंगे अगेन पॉइंट बी से. बी यू एंड बी बी
दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। Same thing you can try this baby. For me, these are the required things. You have to add text show for me. Justification in the same way you can do. You join the room. Pehle itna kar do ki justify. So I'm giving you the option to unmute if anyone is having any doubt in this, then you can ask. मैं मत्ती दो ऑप्शन है एड्रेस कर लेंगे हम। हाँ जी यस बच्चे क्या कह रहे हो आप बेटे नाउ यू कैन टेल। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन मत्ती दो एड्रेस कर लेंगे फिर से फेक आईडी आ जाएगी। ओके फाइन फाइन so next question अच्छा इसकी justification हम करते हैं। justification same way में हम करेंगे। what we will do we will join O to S and O to T. now you can see these are the angles in the semicircle। यहाँ अगर मैंने full circle जो है draw किया होता तो इस semicircle में ये angle था। सेम वे में ये यहाँ पे इस सेमी सर्कल में आपका एंगल आना था। तो ये एंगल हो गए आपके 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप इनको लोगे तो दीज एंगल्स विल अगेन बी 90 डिग्री एज द लाइन टचिंग द सर्कल एंड द रेडियस एट द उनका जो भी मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो AS, AT, BU एंड BB दीस फोर आर द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। सो जस्टिफिकेशन बिल्कुल सेम है हर क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन के लिए आप उसको अगर समझ के कर लेते हो तो फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ अ पेयर pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. अब आपको क्या given है यहाँ पे हमें pair of tangents draw करने हैं to a circle of radius 5 cm। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 cm radius का एक circle draw करेंगे। उसके बाद हमारे पास option है कि हमने tangents draw करने हैं लेकिन कंडीशन क्या दे दी उसने कि जो टेंजेंट है दे शुड बी इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर आपको सर्कल वाला चैप्टर याद हो तो हमने क्या किया था उसमें कि ये हमें पता था कि एंगल्स दोनों जो रेडियस के साथ हमारे पास बनते हैं ऑफ 90 डिग्री। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में जो आपका सम ऑफ एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। जिसमें से 180 ये हो गया। तो यहाँ से हमने क्या जो है रिजल्ट निकाला था कि जो एंगल एट द सेंटर होता है बिटवीन द रेडियाई
एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होते हैं दीस टू एंगल्स आर तकनी बनते हैं, यानी कि इनका जो सम बनता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या कहा कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो है दैट शुड बी 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स देखो जो है वो मैं 60 डिग्री डायरेक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे ये नहीं करना मैंने कि पहले मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना के बाद में सर्कल बना के बाद में 90 डिग्री के उसमें ज्वाइन करूँ। तो व्हाट आई विल डू कि मुझे ये पता है कि ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये मुझे 60 डिग्री गिवन है तो दिस एंगल विल बी 120। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा लेके चलेंगे, हम सेंटर में एंगल 120 डिग्री का बना देंगे तो दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बी ऑफ 60। उससे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे सिंस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल बिटवीन द रेडियस विल बी 180 माइनस 60, दैट इज 120। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें रेडियस जो है सर्कल का 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने क्या करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सेंटर पे एंगल जो है वो बनाना है 180 डिग्री का। तो एक रेडियस मैंने यहाँ ले लिया, अब दूसरा जो रेडियस मुझे लेना है दैट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद दिस रेडियस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 120 डिग्री का एंगल बनाओगे। 120 डिग्री एंगल जो हाउ टू मेक, पहले 60 डिग्री का बनाओ, दिस इज योर 60 डिग्री and then this is 120। अब इनको ज्वाइन करो, तो जहां पे भी दो सर्कल के बीच कर रहे हैं योर दिस पॉइंट इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ये वो है एंड दिस एंगल इज 120। अब जो रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है दैट अगेन वी नो इज 90 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, बी पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है और ए पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ए और बी पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो, बी पे कम कर सको 8 लगाओ, 60 और 120 का हाफ इज 90 डिग्री, पॉइंट ए पे आप यहाँ पे कंपस करके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, बी पे किया है अब ए पे रख के करो, ए के लिए दिस ओ ए विल बी द बेस लाइन, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे टेढ़ा नहीं बनाना है तो नोटबुक डाल करके बना लेना। तो ये आर करवाई हम अब इधर से 60 डिग्री का एंगल एंड देन 120 जहां ये दोनों लाइन्स आप कट कर रहे हैं, मान लो मैंने इसको नेम दे दिया कि अब इस
तीन एंगल को आप मेजर करोगे ना तो दिस विल बी 60. तीन एंगल को मेजर करने के लिए बी डी को बेस ले लेना या ए टी को बेस ले लेना एंड देन मेजर डी से प्रोटेक्टर से मेजर करोगे दिस एंगल विल बी 60. तो टी ए एंड टी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए व्हाट वी विल डू इनके एंगल्स जो हैं ये 90 90 हम ले लेंगे जस्टिफिकेशन के लिए AP BO is a quadrilateral so using the angle sum property angle A plus angle B plus angle B plus angle O 360 degree. A jo hai that is 90 degree. O is 120 degree. B is 90 degree. Values put kar do. A is 90. B hum calculate karke dikha rahe hain. B is 90 degree. O humne construct kiya 120 degree. So inka sum should be equal to 360. So angle B is equal to 360 minus inka sum total is 300. So that is equal to 60. एंगल टी जो है वो आपका 60 डिग्री आ जाएगा और दूसरी तरफ आपने इसको कंपास से मेजर जरूर करना है. अगर वो 60 डिग्री नहीं आ रहा इट मीन यू नीड द प्रैक्टिस फॉर दिस. मोर प्रैक्टिस आपको चाहिए इसके लिए. तो अब इस चीज का आपने ध्यान देना है. अब सेम क्वेश्चन में क्या होता है कई बार एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ना देके एंगल बिटवीन द रेडियाई गिवन होता है तो उसमें आपका ये स्टेप आप स्किप कर तो जो एंगल बिटवीन द रेडियाई गिवन होगा वो आप ले लोगे और यहाँ वाला एंगल जो भी आपका बनेगा उसकी वैल्यू आपको मेजर करके जो है वो लिखनी होती है. तो यू आर टू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली वेदर द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज गिवन और एंगल बिटवीन द रेडियाई इज गिवन. तो दोनों तरीके से जो है आपको आना चाहिए. एंगल दोनों केसेस में हमारा यहाँ पे ही बनेगा सेंटर पे दोनों रेडियाई के बीच में. इन केस जैसे इस क्वेश्चन में था वी आर गिवन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स तो आपको उसको 180 में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो एंगल यहाँ पे बनाना है. अगर आपको गिवन है एंगल बिटवीन द रेडियाई तो जो एंगल आपको गिवन है सेम एंगल आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे. तो इस चीज का ध्यान रखना है अगर एंगल बिटवीन रेडियाई तो सेम एंगल बनाओगे तो गिवन होगा. अगर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स गिवन है तो 180 में से उस वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट एंगल वी विल कंस्ट्रक्ट एट द सेंटर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम वही है. पॉइंट्स बना लेंगे हम एक्सटीरियर और वहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. Draw a line segment AB of length 8 cm. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि length 8 cm का line segment जो है वो हमें draw करना है. एट सेंटीमीटर क्या एक लाइन ड्रॉ कर दो. दो सर्कल ड्रॉ करते हैं. जो ए वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें लेना है 4 सेंटीमीटर. तो ए वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लो. Taking A as a center, draw a circle of radius 4 cm. ये 4 cm हो गया circle का radius. And draw another circle, taking B as a center, draw another circle of radius 3 cm. हमने फिर क्या करना है B को radius लेके 3 cm का एक circle.
तो इस तरीके से एक सर्कल बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, मैंने बी वाला जो है वो बड़ा बना दिया जबकि बी वाला छोटा बनेगा। बी का रेडियस क्योंकि उससे लेस है तो बी वाला सर्कल आपका छोटा बनेगा, ए वाला सर्कल आपका बड़ा बनेगा। ये बना जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को नेम दे दो एस, इस पॉइंट को नेम दे दो पी। तो ए एस जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर, बी पी जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, उसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले मैं इस वाले सर्कल पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगी, आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कि जिसका जो मेरा ये फर्स्ट वाला सर्कल है इस पे मुझे बी से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और जो ये सेकंड वाला सर्कल है इस पे मुझे ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमारा जो है मतलब फर्स्ट वाला जो केस है वो ये है कि ये मुझे एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो सिंपली क्या कंसेप्ट होता है, जो भी आपका सेंटर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हमने ज्वाइन कर सर्कल को यानी कि इग्नोर करके आपको काम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, दोनों के केसेस में हमारा जो सेम सर्कल है वो बनेगा। तो ए की बार हमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, मोर देन हाफ इसको ओपन करो, एक लगाओ हाथ ऊपर और एक हाथ लगा दो नीचे, सेम कंपास खुला रहेगा, बी के रखो एक आर्क लगाओ ऊपर और दूसरी आर्क लगाओ नीचे। अब दोनों को ज्वाइन कर दो, तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो आपकी नाइन साइड है ये 4 सेंटीमीटर वाले जो रेडियस था उसको टच करके लेंगे, मैंने क्योंकि मेजरमेंट करके नहीं किया है तो मेरा थोड़ा सा ये टेंडेड आ रहा है, तो आज ये क्या रखते हैं कि ये आपका इस 4 सेंटीमीटर वाले को टच करेगा। तो ये भी संभव है। डॉटेड मेडियन लाइन को, तो ये एस पॉइंट जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एबी, क्योंकि टोटल जो लाइन थी वो 8 सेंटीमीटर थी, तो 8 सेंटीमीटर का जब आप हाफ लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपका यहाँ पे आएगा पॉइंट एस पे, और इस सर्कल का जो रेडियस था तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन था, तो ये लाइन और सर्कल टच कर। अब दिस इज द मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट को लेके आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ए और बी दोनों से पास करना चाहिए वो आपका। अब मैंने क्योंकि जो है प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं दी है, मेरा पी पॉइंट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो यू विल ड्रॉ दिस सर्कल। अगर इस तरीके से पास कर जाता है तो यू नो योर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। It will draw this circle. So, ये circle you can see, ये 4 points पे दोनों circles को cut कर रहा है. Let this be L, M, and this point is P. अब देखो point B से मुझे जो है इस वाले पे circle draw करना था, first वाले circle. तो B को मैं join करूँगी L से, B को मैं join करूँगी M. तो ज्वाइन कर लो बी को एल और एम, बनने के बाद आपको पॉज पॉज का लगेगा समझ नहीं आएगा, साथ के साथ करते जाओ तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो ये बी एल हो गया आपका, आप इधर से बी और एम को ज्वाइन कर दो,
मैंने डब्ल्यू की है डार्क करने के लिए ताकि क्लियर हो जाए, पर आप डब्ल्यू नहीं करोगे क्योंकि उससे नीटनेस नहीं रहे। अब बी से ये टेंजेंट बन गया एल और बी एफ। अब ए से सेम वे में हमें छोटा टेंजेंट ड्रॉ करना था इस वाले सर्कल पे, तो ए को ज्वाइन करोगे आप पी से और क्यू, ड्रॉइंग ए बी क्यू एंड ए बी। सर्कल को टच करता हुआ मिलते हैं, ये ध्यान रखना इस तरह। और इधर से ए और बी को ज्वाइन करो, अगर सर्कल के बीच में से लाइन पास कर रही है तो उसको एक बार चेक कर देना। तो दिस ए पी एंड ए क्यू और उधर से बी एल एंड बी एम आता required tangents। तो हमें गिवन था एक सर्कल, सर्कल जो है दो सर्कल गिवन थे, हमने लाइन सेगमेंट ले ली पहले 8 सेंटीमीटर की, उसके एंड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट हमें क्योंकि ए बी गिवन थी तो एंड पॉइंट्स ए और बी हो गए। देन ए के आपने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना था, बी पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल लेके रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना था। अब इन पॉइंट से आपने V से इस वाले सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे, A से इस वाले पे करने थे, तो हमने क्या किया इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे इस सर्कल को टच करेगा। अब इसे सेंटर लेके A जितना या B जितना आपने सर्कल रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है, जो A और B से पास करेगा, तो ये 1 दिस इज द सेकंड पॉइंट, 1 और 2 को आप B से ज्वाइन करोगे एंड इधर 3 एंड 4 जो मैं मेंशन कर रही हूँ इनको आप ये आपके आप कह सकते हो एक तरह से आर्क्स बन रही हैं, तो जिनको आपने ज्वाइन करना है। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो बी एल एंड बी एम इधर से ए पी एंड ए क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। So we are left with question number 6 and 7 that we will do tomorrow. If anyone is having any doubt, so I'm giving you the option to unmute.